तो क्या हाल है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और कालीन भैया से कुछ सीखने से पहले हम एक बार इनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कालीन भैया के करेक्टर को जिंदा कर दिया, पंकज त्रिपाठी। और इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जब ये लोग जिंदा होते हैं ना, तब सपोर्ट के नाम पे बहुत कम लोग होते हैं इनके साथ, बहुत कम लोग। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाओ, देख लो कितने व्यू कितने फॉलोअर्स हैं या कुछ। मैंने इरफान खान के एग्जाम्पल में देखा था भाई, बंदे की भाई साहब हमने उनकी सब वीडियो ओ सॉरी सब हमने उनकी मूवीज देखी हुई थी लगभग सब, ठीक है। और उसके बाद हमारे लिए वो फेवरेट थे, लेकिन जब एक्सपायर हो गए ना वो, तो उसके बाद तो उनके फैन इतने ज्यादा हो गए कि अगर वो रियल में उनके फैन होते ना, तो वो जब जिंदा थे तो उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर होती, मतलब हिट हो जाती। लेकिन नहीं, लोग तो जब आते हैं, और ये तो यार रूल है, मतलब ये तो जिंदगी का दस्तूर बना रखा है लोगों ने कि बंदे की तारीफ तभी होती है जब वो चला जाता है। तो हमने कहा हम इस रूल से थोड़ा सा अलग चल लेते हैं, इनकी तारीफ हम आज ही कर देते हैं। भाई मेरे को तो बहुत मतलब मजा आ जाता है इनको देखने के बाद। और इनकी बहुत मतलब स्त्री में भी इनका थोड़ा सा रोल था, और बहुत जगह हमने इनको देखा है जहां पे मतलब इनके करेक्टर ऐसे लगता है कि जिंदा कर दिया। और कालीन भैया वाला तो मतलब ये लगा लो मेरे लिए सबसे फेवरेट था, क्योंकि इससे जो मुझे सीखने को भी मिला बहुत कुछ व्यापार के बारे में, और वो मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन से डायलॉग थे जो हमें पसंद आए। और जो इनके डायलॉग आपको सबसे अच्छे लगते हैं ना, हमें कमेंट करके जरूर बताना, कि या तो मिर्जापुर के बता दो कि मिर्जापुर में ही इनके कौन से ऐसे डायलॉग हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, और जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं वो हम बताएंगे, और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अब मैं उनके डायलॉग अपने मुंह से बोलूँ ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, तो ऐसा अच्छा होगा कि हम उनके डायलॉग उन्हीं के मुंह से सुन लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाहते थे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे, मकबूल की तरह। यानी कि आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो कल को ये हमारे लिए वफादार बनेंगे। एम्प्लॉयज की बात करी गई है यहाँ पे, कि अब बहुत सी कंपनियां एम्प्लॉयज के लिए प्रोग्राम चलाती हैं कि वो हमारे लिए लॉयल रहे, कंपनी के लिए लॉयल रहे। और लॉयल रहने का मतलब क्या होता है, कि वो हमारे लिए छोड़ के ना जाए हमारी कंपनी में, क्योंकि कंपनी में ना एम्प्लॉय टर्नओवर होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि अगर एम्प्लॉय एक साल के अंदर ही छोड़ के चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नए एम्प्लॉय को आएगा, उसको आप सब कुछ सिखाओगे, सब समझाओगे, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो एम्प्लॉय अगर काफी पुराना हो तो वो हमारे लिए बेटर रहता है। और अब यहां पे हमें क्या सीखने को मिलता है, देखो दो तीन चीजें बता देता हूं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, काफी बड़ा बिजनेस है, तो एम्प्लॉय के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उनको बोनस दे दो, कोई भी प्रोग्राम चला दो, ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज कर दो, ये सब चीजें कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये, यार ये चीज जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई भी एचआर वाला देख रहा हो ना, तो यार ये फालतू काम बंद कर दो, रंगोलियां बनवाना, खेल खिलवाना, लोगों को चुतियाप लगता है ये। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि अपना लोगों के लिए जो सच में लोगों को मजा आता है वो चीज कर लो, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। और दूसरी चीज, अगर हम आ जाते हैं, हमारी कंपनी छोटी है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको हम अपने लिए कैसे लॉयल बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो यार इन पे ना इतनी स्ट्रिक्टनेस मत लगाओ कि बेचारा बिल्कुल दब जाए। हमारा जो बिजनेस है ना, उसमें क्या रहता था कि हम लोगों का क्लाउड किचन था, ठीक है। अब उस क्लाउड किचन में मोस्टली एम्प्लॉयज थे ना, जो वो थे क्या नाम है, तीन चार जो भी एम्प्लॉयज थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं थे। अब उनको हम कैसे, हम उनको बोनस भी नहीं दे सकते, बिजनेस छोटा था तो हम उनको एक एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दे सकते। फिलहाल हम उनको किस तरह से अपने लिए लॉयल बनाएं, और जबकि मैं तो उनको ऐसी ऐसी जगह पे काम करवा लेता था जहां पे मुझे उन्हें छुट्टी देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कैसा क्यों क्यों काम करा लेता था। देखो अब कुछ बन रहा है खाने पीने का, आपने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाउड किचन है यार। अगर आप अपने शेफ को या अपने स्टाफ को थोड़ा बहुत खाने को या इतनी आज़ादी नहीं दोगे ना, तो वो कभी किचन में काम करेगा ही नहीं, ये रूल है, ठीक है। चलो आपने उन्हें थोड़ी सी खाने पीने की आजादी दे दी, और उनके साथ बिहेवियर कैसा, मतलब ये लगा लो आप जितने ज्यादा ध्यान रखोगे ना, उतना वो आपको अपने बिजनेस का उतना ध्यान रखेंगे। ये लगा लो कि मैंने एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक काम के लिए रखा है कि तूने ये काम करना है, लेकिन वो दो चार काम एक्स्ट्रा करता था, मानो या ना मानो, सिर्फ किस वजह से कि आप जबान के मीठे रहो, उनको इज्जत पूरी दो। मतलब जो मेरे से बड़े थे ना, मैं उनसे भैया भैया कह के बात करता था, वो बेशक मेरे से सर करके बात करते थे, लेकिन मैं उन्हें भैया भैया कह के बात करता था,
मतलब पता क्या होता है, एम्प्लॉय को जितना हो ज्यादा वफादार बना लो, कल को वो आपके लिए वफादार रहेगा। ये बहुत सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना है, सॉरी एम्प्लॉय टर्नओवर अगर बढ़ाना है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी में टिके रहें और लॉयल रहें आपकी कंपनी में। और ये जब बिजनेस छोटा होता है ना, तो ये लगा लो टीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल है ना, तो ये लगा लो आपकी एब्सेंस में भी वो आपको अच्छा काम करके देगा, और आपकी एब्सेंस में जो एम्प्लॉय आपको काम करके दे रहा है ना, उस एम्प्लॉय से बड़ा एम्प्लॉय कोई नहीं हो सकता। और अगले डायलॉग पे बढ़ने से पहले, सेकंड पॉइंट पे बढ़ने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी मिर्जापुर की एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें हम गुड्डू और बबलू की बात करेंगे, और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बटन दबा देना। और 23 अक्टूबर से पहले, जब से मिर्जापुर 2 आएगी, उससे पहले ही मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इन्होंने कहा कि व्यापार से हम नहीं चलते, हमसे व्यापार चलता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ चीज को समझाता हूं। देखो, दो ना दुकान थी, दोनों गेमिंग की दुकान थी, दोनों यानी कि गेमिंग कंसोल बेचते थे और वहां पे बैठ के आप गेम भी खेल सकते हो। आप दो दुकानें थी वहां पे, और ये काफी टाइम पहले की बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था, ठीक है। दो दुकानें थी, तो उन दो दुकानों पे हम जाते थे ना, नॉर्मली दोनों दुकानें बराबर चलती थी, मतलब कोई कंपटीशन था भी तो भी वो दुकानें बराबर के लेवल पे खड़ी थी। लेकिन धीरे 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 टाइम बदलता गया, और उनमें से आज के टाइम एक दुकान बिल्कुल भरी रहती है और एक दुकान ठीक ठीक रहती है, मतलब चल वो भी रही है लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम। जो ए दुकान जो चल रही है ना, उसमें ऐसा क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा हो गए, और बी दुकान में ऐसा क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा नहीं हुए? देखो, ए दुकान वाले ने क्या करा, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया ना, अब उसने क्या करा, सेटअप लगा लिए, पीसी लगा दिए, कंसोल लगा दिए, और एक चैम्बर सा बना दिया, वहां पे हेडफोन रख दिए, हेडफोन रख दिए और अलग अलग चैम्बर बना दिए, लाइटिंग ऐसी कर रखी है जैसे घर में गेमिंग स्टूडियो होते हैं ना, पीछे ब्लू कलर की लाइटिंग और थोड़ा सा अंधेरा, मतलब अंदर जाओगे ना आपको लगेगा गेमिंग का माहौल बन जाएगा। पोस्टर लगा दिए गेमिंग के, ये सब कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ उस इंसान ने क्या किया, पूरा एक शोकेस बना दिया जो बी दुकान थी, वहां पे ना जितनी चीजें मिलती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी, जैसे गेम से रिलेटेड तारे होती हैं, कंसोल्स हो गए, कंसोल के साथ साथ सीडीज हो गई, सीडी के साथ साथ छोटी छोटी चीजें भी उसने लगा दी, और नॉर्मल शेल्फ में लगा रखी है, ज्यादा कुछ अच्छा डिस्प्ले भी नहीं है, लेकिन तारे तूरे सब वहां लगा दिया, ठीक है। अब ए दुकान ज्यादा क्यों चलती है जबकि उसके पास सामान कम है? क्योंकि भाई उसने गेमर की नीड को समझा कि गेमर एक्चुअल में चाहता क्या है, ठीक है। तो वहां पे बंदा भरेगा ही भरेगा, और जो वो तारे तूरे हैं वो हमें कब कितना टाइम में चाहिए होती हैं यार। एक छोटी सी मान लो, अगर मैंने कंसोल लिया, तो अब ये लगा लो 6 साल हो गए मेरे पास, शायद 4-5 साल हो गए मेरे पास, लगभग 6 साल तो नहीं हुए, मेरे पास 4-5 साल हो गए, मेरे पास PS4 है, ठीक है। उसमें से ये लगा लो मैंने एक बार उसकी जो प्लग वाली वायर है ना वो चेंज कराई है, एक ही बार मैंने HDMI चेंज करी है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा, मतलब जरूरत नहीं थी, जरूरत थी किस चीज की, कि गेमर्स को फील दिया जाए, ठीक है। उनको ऑनलाइन गेमिंग दिखाई, मतलब बहुत कुछ उसने करा, ठीक है। अभी इस चीज का मैंने एग्जांपल दिया क्यों, इससे ये कैसे हमें समझ आता है कि व्यापार हमसे चलता है? देखो, अब दोनों सेम चीजें थी, दोनों का सेम बिजनेस था, लेकिन एक बिजनेस काफी अपग्रेड कर गया, दूसरा बिजनेस नॉर्मल रहा। और दूसरा बिजनेस मैन अगर कभी ये सोचे कि यार मेरे बिजनेस में, यार मेरी किस्मत खराब है, या फिर मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, ये वो है, या कुछ भी अगर वो सोचे, तो उसे इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब व्यापार में चेंज की जरूरत थी ना, तो उसे सोचना था कि किस तरह से चेंज लाया जा सकता है। व्यापार को अपने हिसाब से चलाता उसने, पैसे के हिसाब से चलाया कि मेरा मुनाफा कहाँ बढ़ जाए, मेरे को ये कहाँ हो जाए। उसने ना तो कस्टमर की सोची, ठीक है, ना अपना कुछ, मतलब पहली बात तो अगर आप कस्टमर की सोचोगे ना और उसके हिसाब से व्यापार को चलाओगे तो ठीक रहेगा। अगर आप प्रॉफिट की सोच के या किसी और चीज की सोच के व्यापार को चलाओगे तो व्यापार आपको चलाएगा फिर, यानी कि फिर तो आप टेंशन लेके बैठ जाओगे कि यार मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो चीजें कभी भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि व्यापार को अपने हिसाब से चलाओ, अपनी चीजें देखो कि आप किस तरह से चीजों को चला सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।